प्रदेश के जनपद भदोही में एक कलयुगी मां ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया है। महिला ने अपने पांचों बच्चों को गंगा में डुबाकर मौत के घाट उतार दिया। पति से हो रहे विवाद को लेकर महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया है। पुलिस गोताखोरों की मदद से पांचों बच्चों की तलाश में जुटी है। मामला जिले के गोपीगंज कोतवाली इलाके के जहांगीराबाद का है, जहां मंजू यादव नाम की महिला ने अपने पांचों बच्चों को गंगा में ले जाकर डुबा दिया और घाट के किनारे आकर बैठ गई। ग्रामीणों ने जब महिला से पूछा तो उसने बच्चों को गंगा में डुबोने की बात कही। महिला ने खुद कबूल किया कि उसने बच्चों को गंगा में डुबा दिया। उसने ऐसा कदम पति से हो रहे झगड़े को लेकर उठाया। वही महिला के पति का दावा है कि वो एक रिश्तेदार को छोड़ने झारखंड गया था, उसी दौरान महिला ने वारदात को अंजाम दिया। बच्चों में दो बेटे और तीन बेटियां शामिल है। काहे ऐसा क्यों किया? टेंशन में दिमाग रहा, डाल दिया। किस बात को लेकर टेंशन? खाने पीने की कोई दिक्कत थी या घर में कोई विवाद था? इससे झगड़ा झंझट चल रहा था, हमारा दिमाग अंदर था। किससे झगड़ा विवाद चल रहा था? आदमी से। क्या है, क्या मामला था, क्या किस बात को लेकर विवाद हो रहा था? कितने बच्चे थे आपके? दो लड़कियां, तीन लड़की। तो कितने बजे आप लाई उन लोगों को गंगा में, कैसे, क्या आप कही? वो घड़ी नहीं देखे रहे। मैं रात में नहीं था, गया था वहाँ झारखंड। एक औरत आई थी वो मुड़न के लिए, 15-20 दिन थी। वो बोली कि हमको पहुँचा दो, जो भाड़ा होगा देंगे। तो मैं गाड़ी करके गया पहुंचाने के लिए। फिर मैं वहां से 2 बजे रात में निकला, और 2 बजे रात निकला तो फिर मैं जब आया गोपीगंज, सब बॉर्डर डाकते हुए गोपीगंज आया तो यहां खबर लग रही तुम्हारे घर कुछ हो गया, तो मैं भागते हुए तुरंत सीधा। वहीं इस वारदात के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर डीएम और एसपी ने पहुंचकर मामले की जांच की। सभी बच्चों में 12 वर्ष, 7 वर्ष और 5 वर्ष की बेटियां और 6 वर्षीय और 3 वर्षीय बेटा शामिल है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्चों की तलाश की जा रही है। जानकारी ये लगी है, पहले तो ये जानकारी आई कि महिला अपने बच्चों से कूद गई है। अब पता चला है कि महिला है और अपने बच्चों, 5 बच्चों को उसने नदी में फेंक दिया है, जो एक्सेप्ट भी कर रही है। बच्चों का पता लगाया जा रहा है, जाल डाला जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं गंगा जी बहुत गहरी है, यहाँ पर बहाव भी काफ़ी तेज है, कभी कोई सफलता नहीं मिली है हमें इसमें। अब इसके बारे में हम देख लेंगे, क्योंकि अब ये डूब गए हैं बच्चे, अगर ये डूबे होंगे तो करीब 18 से 20 घंटे लगते हैं ऊपर आने में, तो केवल अब सर्विलांस के अलावा और कोई जगह नहीं बचेगी इसमें।